गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास चेन स्नेचिंग लूट की घटना सामने आई है। सीमा वाइन शॉप से वाइन खरीदने के दौरान चार लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसके गले से 3 तोले की सोने की चेन और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। हालांकि मुंब्रा पुलिस ने में इसकी शिकायत जैसे ही की गई, महेश 2 से 3 घंटे के अंदर चारों युवकों को अमृत नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम भूरा बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि मुंब्रा आनंद कोलीवाड़ा के रहने वाले आनंद रघुनाथ सावंत वाइन शॉप से वाइन खरीद रहे हैं और पीछे की तरफ काले शर्ट वाले के साथ में 3 युवक और खड़े हैं। जैसे ही आनंद आगे बढ़ते हैं, इनमें से ग्रीन शर्ट वाला गर्दन पर हाथ रखता है, मगर चेन निकालने में ये कामयाब नहीं हो पाता है और आनंद घबरा कर वापस शॉप पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही शॉप से आगे आनंद बढ़ते हैं, फिर से ये लोग दौड़ाकर आनंद के गले से चेन और मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं और मारपीट भी इनसे की जाती है। ये वारदात करीब 9 से 10 बजे के बीच में हुई है। आनंद ने मुंब्रा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा कीमत का उनका सोने का चैन था और 15,000 रुपये कीमत का मोबाइल था। पुलिस ने FIR दर्ज कर भूरा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बात और आपको बता दें कि सीमा वाइन शॉप है, जिसके खिलाफ संगीता धावने ने प्रशासन से लेटर देकर मांग की थी यहाँ पर कि लोग रास्ते में खड़े होकर यहाँ सिगरेट बीड़ी वगैरह वाइन पीते हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं बच्चों को तकलीफ होता है, जिसके बाद मालिक को भी चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर यहां पर चेन स्नेचिंग लूट की घटना सामने आई है। अगर इसी तरह से यहां फुटपाथ पर खड़े होकर लोग सिगरेट बीड़ी वाइन पियेंगे और लूटपाट की वारदात होगी, तो आने वाले समय में महिलाओं बच्चों और राहगीरों के लिए ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सावंत। आपके साथ में जो है इनके साथ क्या वारदात हुई थी, पूरी वो बताइए। वारदात जो हुई है आज 9:30 बजे सीमा वाइन शॉप है इधर, मतलब इनके ये दारू लेने के लिए गए थे अपना नॉर्मली। कितने बजे? 9:30 के करीब में। अच्छा, बराबर। तो इसके जैसे CCTV देखे हम लोग ने, जब मालूम पड़ा कि इनके पीछे 3 लड़के थे, तो इनसे कुछ छेड़खानी हुई, तो पहले ये तो बाहर गए, बराबर। बाहर जाने के बाद इनके ऊपर हाथ डाला गया, ये वापस वाइन शॉप के इधर आए, वाइन शॉप में खड़े थे, कि वापस जैसे ही लेफ्ट साइड में निकले तो इनके पीछे 4 लड़के भागे, 4 से 3 लड़के भागे और इनके इनके गले में जो चेन थी 1.5 से 2 तोले की वो गई, और इनका मोबाइल लेके इनके ऊपर 2 से 3 तोले की चेन थी और मोबाइल भी था इनके हाथ में, वो भी लेके भागे और इनको इनके साथ मारपीट भी हुई। अच्छा, ये चेन कितने की, तकरीबन कितने रुपए की थी? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की थी। जब आप आनंद भाई, जब आप वहाँ पर गए थे तो क्या हुआ था वहाँ पे? क्या नहीं, मैं मेरा सामान लिया और वैसे ही मैं वापस आया उधर से, वैसे ही निकल गया मैं वापस। निकलने के बाद सुनिए, वो लोग ने आए और मैं वापस ये पकड़ने की कोशिश की, तो बाद में मैं अंदर गया, वो वाई मुकाबले के साथ बोला मेरे को इधर भी चेन खींच रहे, उन लोग को भी बोला मैंने मेरे को, तो बाद में मैंने 10 मिनट के बाद वो लोग चुप चुप के देखे और भागने लगे, और बाद में मैं भाग आया तो वो लोग ने मेरे पीछे धरा और मेरे को उधर ही मारा। कितने लोग थे? 4 जन, 3 जन। 3 जन थे। क्या आपको उन लोगों का नाम पता, कुछ पता है? नाम नहीं, मेरी पहचान है, भूरा एक था, भूरा एक है, नाम है उनका। पब्लिक भी थी वहाँ पे? पब्लिक भी थी, वो थी बोला, वो पिज्जा के सामने ही हुआ, पिज्जा वाले की पहचान है, शॉप है उसके सामने, देखो पब्लिक ने कोई साथ दिया नहीं उधर, पब्लिक ने कोई साथ दिया, और रिक्शा वाले भी देख रहे थे, वो बहुत सारे
हाँ रिक्शे वाले भी देख रहे थे, बाद में मेरा फोन में दे रहा तो मेरे को पूरा गाल में ऐसा पूरा बाल छोड़ के, जैसे इधर देखे जाएंगे तो रैशेज भी आया है ये पूरा बाल, इधर रैशेज भी सब आया, देखो ये बाल पूरा ना पूरा सब गिरा दिया, यहाँ पे भी रैशेज आया है यहाँ पे, मतलब ये भी सोने का ही है, ये भी उनका घसीटने का ये कर रहे थे पर निकला नहीं, इसके वजह से वो हाथ लगा बच गया ऐसा। मोबाइल कितने कीमत का था? मोबाइल था 12 से 15 हज़ार का।